नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24 न्यूज चैनल आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर। आतंकी संगठन लश्कर का कमांडर अबू दुजानी मारा गया। आज जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ में सेना ने अबू दुजानी को मार गिराया। बताया जाता है कि घर में छिपा हुआ था अबू दुजानी। सेना ने मुठभेड़ कर घर को ही बम से उड़ाया। अबू दुजानी एक खूंखार आतंकी था जिसने काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में काफ़ी कारनामे किए। अबू दुजानी एक खूंखार आतंकी ढेर हुआ, सेना की कार्रवाई में हुआ ढेर। चंडीगढ़ में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के मद्देनज़र हुई बैठक। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर, इधर देखिए सर, जो आपके नेता हैं पार्टी के नेता आए हैं, किस वजह से उनको यहाँ आना पड़ा, क्या कारण थे, क्या कोई फर्जी वोट? अरे वाली कैमरा पीछे कर, सदस्य बनाए जाने की शिकायत थी। देखिए इस तरह की बात, अपने माइक ऊपर कर ले अपना, सिस्टम के साथ इस बार काम हुआ है, सुनी कंप्यूटराइज पूरा रिकॉर्ड है। आज से पहले कभी हरियाणा के इतिहास में इतने बेहतरीन तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। पूरी मॉनिटरिंग है मधुसूदन मिस्त्री जी की है, हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उनके मेंबर के तौर पे वो यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने तो इसको पूरा एक ड्राइव के रूप में लिया। लाखों लोग सदस्य बने हैं, अगर किसी की कोई भी आपत्ति हो तो वो लिख के दे सकता है और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो अच्छे लोग हैं उनका यहाँ पर चयन होगा, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो आपके पार्टी के कई विधायक जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन जो है वो किया और ये कहा कि उनके विधानसभाओं से कई कई ऐसे वोट जो है वो फर्जी बने हुए हैं, तो ये ऑब्जेक्शन जो है सर, तो इसका सोल्यूशन क्या इस बैठक में हो पाया है या अभी चुनाव डिले होने की संभावना? वो तो नहीं, चुनाव की तिथि पूरी हिंदुस्तान की एक ही है। मधुसूदन मिस्त्री जी का जहाँ तक सवाल है वो तो सब प्रदेशों में जा रहे हैं, कल झारखंड जाएंगे, परसों छत्तीसगढ़ जाएंगे, महाराष्ट्र होकर के आए हैं, पूरे देश में उनकी ये प्रक्रिया है और सबकी जो भी ग्रीवियंसेस हैं कोई भी बात है वो सुनेंगे। और मैंने पहले ही एक बात कही है कि जितना सिस्टम के साथ हरियाणा के अंदर काम हुआ है, अब किसी को शिकायत करनी है शिकायत करने के लिए तो उसका कोई वो नहीं है। मैं संगठन का सिपाही हूँ, सोनिया जी राहुल जी के आशीर्वाद से मैंने संगठन में आज 20-22 साल से काम किया है और संगठन के प्रति जो एक सच्चे सिपाही का समर्पण होता है उसके साथ मैं काम करता हूँ। आप ही के खिलाफ शिकायत है कि फर्जी सदस्य बना रहे हैं, ये जो फर्जी करने की बात करते हैं उन्होंने फर्जी सिस्टम ही देखा है पहले, इसलिए फर्जी की बात हो रही है। मैंने कहा कि पहली बार इतने बेहतरीन तरीके से हमने मेंबरशिप की है, उसका रिकॉर्ड बनाया है। पहले भी मेंबरशिप होती थी, पिछली बार जब हुई ना तो कोई रिकॉर्ड था किसी के पास, हमने तो सारी चीज़ें पूरा सिस्टम से उसको क्रिएट की है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों का ना कोई आधार है और ना कोई उचित है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कोई हासिल कुछ किसी को नहीं होगा। आपकी एक विधायक मीटिंग जब चल रही थी उन्होंने बीच में जाने की, उन्होंने कहा कि हमारे नाम के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भेदभाव हो रहा है। और आपके समर्थक, मुझे तो पता नहीं किसके क्या करते हैं समर्थक और क्या बात हुई है, लेकिन मीटिंग चल रही थी तो मिस्त्री जी ने उनको कहा कि आपने जो भी बात कहनी है वहाँ भी, पहले भी लोगों ने जो भी अपनी बात कहनी थी वो पहले भी कही थी, और किसी ने अगर कोई अपनी बात कहनी है तो बाद में फिर दोबारा कह सकता है, वो तो इंडिविजुअली मिलेंगे। लेकिन मीटिंग को डिसरप्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, कोई भी हो। मीटिंग आज DROs की बुलाई है और उसके बाद सबसे मिलकर के व्यक्तिगत तौर पर वो सुनवाई होंगे, सबको न्याय मिलेगा, इसीलिए तो आए हैं। तो ये क्या बताओ सर, क्या कोशिश है ये, क्योंकि जो विधायक, जो आपकी पार्टी के विधायक जो आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि फर्जी वोट बनाए हैं, फर्जी सदस्य बनाए हैं। एक बात सुनो सर, तो कारण क्या है, वो चुनाव को टालना चाहते हैं या संगठन के चुनाव उनके मुताबिक नहीं हो रहे हैं, कारण क्या है? कारण तो वो खुद ही बता सकते हैं क्या कारण है, लेकिन मैंने कहा कि जितने बेहतर तरीके से इस बार काम हुआ है, सारी लिस्टें हमने कंप्यूटराइज करी है, कोई अगर जबरदस्ती अपनी कोई गलत बात मनवाना चाहता है तो वो कांग्रेस में कोई नहीं मानेगा, ना मैं मानूंगा, ना CEC मानेगी, ना सोनिया जी राहुल जी मानेगी। धन्यवाद।